नमो नमः। तो आज मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ मम परिचय। क्या है आज का टॉपिक है आपका मम परिचय। तो इस मम परिचय हमें देखेंगे हम सबसे पहले कि किस तरह से इसका हम अपना परिचय देंगे, अपना परिचय देते समय उसको कैसे बोलेंगे, प्रारंभ कैसे करेंगे। तो उससे भी चलने से पहले सबसे पहले मैं बोल दूं, यदि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आप कह रहा है कि मम नाम अस्ति। इससे पहले आप देख लेंगे मम परिवार अर्थात मेरा परिवार। तो हम चलेंगे देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है कि मम नाम अस्ति। यहाँ पर क्या देंगे आप, आपका जो भी नाम है वहां आप लिख देंगे, रिक्त स्थान में आप लिखेंगे अपना नाम, आपका जो नाम है। तो क्या लिखेंगे यहां पर मैं मम नाम सुरेशः अस्ति, मम नाम रमेशः अस्ति, मम नाम बालकः अस्ति, मम नाम कुछ भी आप अपना नाम यहां पर मैं डाल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप सिर्फ वीडियो को देखेंगे यदि तो देखने मात्र से आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि यहां आप अपना परिचय संस्कृत में देना जानेंगे। तो यदि सही से इसको देखेंगे तो फिर दोबारा आपको सोचने की बात नहीं होगी, बस इसी में आपका अभ्यास भी हो जाएगा, आप देना भी सीख जाएंगे और याद भी हो जाएगा चाहेंगे तो। चलिए, तो मम नाम सुरेशः अस्ति, मेरा नाम सुरेश है। ओके, नेक्स्ट में मम पितुः नाम श्री दैश अस्ति। तो मम पितुः नाम रमेशः, मम पितुः नाम बालकः, कुछ भी आप दे सकते हैं यहां पर मैं। तो यहाँ आप अपना अपना अपना, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज को यहाँ पर फिलअप करेगा। तो मम पितुः नाम श्री अमुक कुमार अस्ति, मतलब जो नाम रहेगा यहाँ पर मैं आप दे देंगे। उसके बाद देखेंगे अब यहाँ पर मैं हिंदी में लिख दिए हैं कि मेरे पिताजी का नाम सुरेशः अस्ति, सुरेश है। तो यहाँ पर आप यहाँ देख लेंगे। फिर नेक्स्ट में देखेंगे हम कि मम मातुः नाम, पिताजी का नाम समझिए, मम पितुः नाम श्री अमुक अस्ति, मम पितुः नाम श्री डैश अस्ति। तो आप भी इसको ख्याल रखेंगे, आप भी जब किसी भी एग्जाम में या कहीं पर भी आपको पूछा जाएगा कि अपना परिचय दीजिए, तो अपना परिचय देते समय संस्कृत में परिचय देने के लिए पूछा जाए या कोई भी अपना परिचय आपसे पूछे, तो आप इस तरह से ये 5-6-7 करीब पॉइंट दिया हूं यहाँ पर मैं, तो इसको यदि सही से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट में कह रहा है कि मम मातुः नाम श्रीमती सुनेना अस्ति, मम मातुः नाम श्रीमती लता अस्ति। तो यहां आप अपने माँ की माँ का नाम देंगे, तो मम मातुः नाम श्रीमती अमुक अस्ति। फिर उसके बाद मेरी माँ का नाम लता है, मेरी माँ का नाम लता है। तो यहां इस टाइप से आप समझ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट में हम देखेंगे आप भी अपने माँ के साथ बात जोड़ सकते हैं कि मम मातुः नाम, मम मातुः नाम, यहाँ क्या आप अपने मम पितुः नाम, मम नाम, इस तरह से आप करेंगे। क्या हो गया, मेरी माँ का नाम अमुक कुमार अमुक अस्ति, मम भ्रातुः नाम रमेशः अस्ति, मम भ्रातुः नाम सुरेशः अस्ति, मम भ्रातुः नाम दिनेशः अस्ति, मम भ्रातुः नाम रोहणः अस्ति, मम भ्रातुः नाम रोशनः अस्ति, मम भ्रातुः नाम पंकजः अस्ति। आप रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ, मम भ्रातुः नाम रमेशः अस्ति, मम भ्रातुः नाम सुरेशः अस्ति। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट में कि यहां पर मैं इसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा, मेरे भाई का नाम सुरेश है, मेरे भाई का नाम रमेश है, मम भ्रातुः नाम सुरेशः अस्ति। कंसेप्ट क्लियर? यदि कहीं भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो आप नेक्स्ट में कमेंट करेंगे, उसका फिर सोल्यूशन होगा। चलिए नेक्स्ट में फिर चलेंगे, मम भगिन्याः नाम रिक्त अस्ति, मम भगिन्याः नाम देवकी अस्ति, मम भगिन्याः नाम लता अस्ति, मम भगिन्याः नाम रूपा अस्ति, मम भगिन्याः नाम सुरेश मतलब सुरूपा अस्ति, मम भगिन्याः नाम, तो इसमें आप दुर्गा अस्ति, इसमें आप अपनी अपनी बहन का नाम यहाँ डालेंगे, जो भी रहेगा सेम टू सेम आप इसको करेंगे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं।
तो क्या हो गया, मम भ्रातुः मम भगिन्याः नाम अस्ति। चलिए सेंटेंस कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ यही रहेगा, सिर्फ आप अपने परिवार फैमिली का नाम सिर्फ यहां चेंज करें और सारा ये ऐसा ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट में मम भगिन्याः नाम अस्ति, मेरी बहन का नाम सुरेश सुरूपा अस्ति, मम भगिन्याः नाम लता अस्ति, मम भगिन्याः नाम मेरी बहन का नाम राधा अस्ति, मम भगिन्याः नाम भगिनी। यहाँ एक बात बता दो, भगिनी शब्द में से होता है बहन, ठीक है, उसी का भगिन्याः बन जाता है शब्द, तो भगिनी शब्द का भगिनी मीन्स बहन, आपको बताया भी हो कई कई बार कि भगिनी मीन्स बहन। चलिए तो यहाँ हो गया मम भगिन्याः नाम अस्ति, मेरी बहन का नाम लता अस्ति, मेरी बहन का नाम राधा अस्ति। सेवन में लास्ट में चलेंगे मम मित्रस्य नाम, यदि आपका मित्र है अपना खास मित्र है या कोई भी मित्र हो तो मम मित्रस्य नाम सुरेशः अस्ति, मम मित्रस्य नाम रोशनः अस्ति, मम मित्रस्य नाम सुवेन्दुः अस्ति, मम मित्रस्य नाम सुवेन्दुः अस्ति, मम मित्रस्य नाम कृष्णः अस्ति, मम मित्रस्य नाम विक्रमः अस्ति, मम मित्रस्य नाम रूपेशः अस्ति, मतलब इत्यादि इस टाइप का आप अपने मित्र का, मम मित्रस्य नाम पंकजः अस्ति, तो इस टाइप से आप अपने मित्र का नाम देंगे। और उसके बाद इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मेरे मित्र का नाम रमेश है, सुरेश है, मोहन है, दिनेश है इत्यादि। तो जो मैं अभी लिखवाया हूँ इस स्टेप से, इस रिकॉर्डिंग आप समझ गए यदि, तो बस आप इसको भली भांति समझ जाना है, समझ लेना है, बस इससे अधिक कुछ भी नहीं है। यदि आप इसको देख लेते हैं तो आपसे जहां भी अपना परिचय पूछा जाए या कहीं भी कोई भी व्यक्ति आपसे परिचय पूछे तो आप इसको इसके अकॉर्डिंग अपना परिचय दे सकते हैं आराम से, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं, कोई भी समस्या नहीं होगी, आप ना खुद का परिचय इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से दे सके। तो चलिए समझ गए होंगे प्रायः, तो इसमें यदि कोई दिक्कत हो कहीं हो तो आप कमेंट करेंगे, और कमेंट करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि सभी लोगों को इससे लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर से मैं बता दूं कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए फिर मैं इसी तरह का वीडियो लेकर उपस्थित रहूंगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।